हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी फ़ोन है, आप देख सकते हैं। तो रियलमी फ़ोन की डायल पैड सेटिंग्स पर जाकर हम अपने फ़ोन में जो इनकमिंग कॉल वगैरह आती है तो उसमें फ्लैश लाइट वाले ऑप्शन को कैसे ऑन कर सकते हैं, यानी इनकमिंग फ्लैश ऑप्शन को हम कैसे ऑन कर सकते हैं, यानी इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हमारे फ़ोन में इस प्रकार शो हो रहे हैं। तो स्वाइप करके अपने पास फ़ोन ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, हमारे पास ये 3 डॉट पर्सन आते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे और सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के जो भी आइकन्स वगैरह इसमें शो हो रहे हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाता है कि कॉलिंग अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। फिर हमें एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ्लैश एंड कॉल्स, यानी जब हमारे फ़ोन में कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स वगैरह आएगी तो हमारे फ़ोन जो फ्लैश लाइट होती है वो बार बार ब्लिंक होती है, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारा इनकमिंग फ्लैश ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने फ़ोन की सेटिंग पर जाकर इनकमिंग कॉल फ्लैश ऑप्शन को हम इनेबल कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।